लगी तो नहीं, ठीक है ना, रेनबो निकला हुआ है। अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे भी है, गांधी जी के 3 बत्तख। बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और हम आ चुके हैं लोधी गार्डन। आइए चलते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे सुबह सुबह ही शूट हो रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग कलाकृति, अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये अब देखो, कितना ही देखो, देख रहे हो, वो लग रहा है बाज, बाज जैसी कुछ है ये, तेरी शक्ल लग रही है। और जोर जोर से बोल के लोगों को कुछ बता दे। बता कैसा लगा यहाँ पे आके? अबे आराम से आराम से, ठीक है, लगी तो नहीं, ठीक है ना, हैं? ठीक है, ठीक है। देखो ये अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे भी है, ये जो QR कोड दे रखा है ना, ये कौन सा ट्री है, कितने साल का हो गया, सब बता देगा। ये देखो, ये अभी करते ही इसका बर्थडे कब आता है, ट्री आर, और ये हाइट है इसकी 18 मीटर, एज इसकी है 45 ईयर 45 ईयर। देख रहे हो गाइस कितने मतलब अमेजिंग कह लो यार इसे। ये देखो रैंप, रेनबो निकला हुआ है, ये देखो अमेजिंग। बर्ड्स इन लोधी गार्डन, कबूतर, बुलबुल, ये कौन से हो, ये पता नहीं, तोता पता नहीं, ये भी पता नहीं, ये जो ये सारे पक्षी हैं यहाँ पाए जाते हैं। चल
ये भिड़ंत हो गई गाइस, ये भिड़ंत हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब समझ लो आप लड़ाई वगैरह हो गई। गांधी जी के 3 बत्तख। मतलब यहाँ पे बाघ है वो। आ गुलाब ही गुलाब। ये है तो है क्या गेंडा स्वामी, ये क्या है? कुछ भी है, सोच के ही बना है ये। ये देख उर्दू में लिखा हुआ है, अरबी में, अरबी है। गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप ना मतलब अगर घूमने आ ही रहे हो तो आप दोपहर की जगह सुबह आओ, क्योंकि तो गर्मियों का टाइम वैसे हो गया है तो सुबह बहुत ही फ्रेश एयर मतलब ठंडक एक नंबर मज़ा आ जाता है। तो मैं यही बोलूँगा असरफ, असरफ हाँ, तो सुबह आया करो। तू है कौन रे? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखे। ओके बाय।